नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर और आज आपको मैं अमरपाटन की सुबह दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अमरपाटन में किस तरीके की सुबह उस वक्त होती थी जब आप और हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। मैं इस वक्त हूं सतना रोड में। जब 11th और 12th में होते थे तो सबसे जो कॉपी किताब या बुक्स लेने की सबसे मुफीद जगह होती थी वो होती थी हज़ारी पुस्तक भंडार और सरस्वती पुस्तक भंडार। हज़ारी को तो मैंने क्रॉस कर लिया है और ये है सरस्वती पुस्तक भंडार मेरे ठीक पीछे। आपको भी याद होगा वो दिन, वो पल, वो सुबह, वो शाम जब भीड़ होती थी सरस्वती पुस्तक भंडार में और हम लाइन में लगे रहते अपनी बारी का इंतज़ार करने में। अब आपको ले चल रहा हूँ मैं यहाँ का अमरपाटन का सरकारी अस्पताल और अभी यहाँ जो सामने हुआ करता था अस्पताल वो तोड़ के नया अस्पताल जो है वो बनाया जा रहा है। तो आपने जो पुराने अस्पताल इमेजिन किए होंगे अब वो इस तरीके का बनने जा रहा है और कुछ ही समय में ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने दिगंबर स्कूल में भी पढ़ाई की होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि अब वो स्कूल कैसी दिखती है और बच्चे पढ़ते हैं या बंद हो गया स्कूल। ये दिगंबर स्कूल साइड जाने वाली सड़क है और अभी कैसा है वो स्कूल, ये ईंट और ये रेत आप देख पा रहे हैं ये उसी स्कूल के सामने का है और अब कुछ ऐसा दिख रहा है ये स्कूल। ये यहाँ की सब्जी मंडी और ये सब्जी मंडी का नजारा सामने। सुबह सुबह सब्जियां खरीदने के लिए इंतजार जो है वो लोगों का और भीड़ मची हुई है बिल्कुल, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं घुसे क्योंकि कोरोना का भी खतरा है। अमरपाटन में भी कुछ केसेस अभी मिले हैं इसलिए। मेरे पीछे वो स्कूल है जहां हमारा 12th का एग्जाम हुआ था, सेंटर हुआ था यहां हमारा और यहाँ हम एग्ज़ाम देने पहली बार गर्ल्स स्कूल में पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए और बॉयज़ स्कूल के लड़के। गणेश चाट के यहाँ सुबह से ही ठेला जो है वो तैयार होने लगे हैं। गणेश चाट भंडार बहुत मशहूर है। अमरपाटन में अब HDFC बैंक भी खुल गया है, कैसा है वो आपको दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अमरपाटन से हैं और अमरपाटन को पसंद करते हैं, याद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।